बकेट जो कि लगभग लगभग उसका फोर्स जो है तेज है और भर भी गया होगा। तो चलिए पहले पौधों में पानी डाल देती हूँ। हाँ, भर गया है, पौधों में पानी डाल देती हूँ और फिर इसके बाद ना चल रही हूँ नीचे, थोड़ा सा अपने बालों को ना कॉम करूँगी और कल मुझे फिर से जाना है एक जगह, मतलब कल मेरी छोटी वाली बहन भी जाएगी अपने ससुराल, मतलब अपने हस्बैंड के साथ वो जाएंगी, ससुराल तो नहीं जाएंगी लेकिन हस्बैंड के साथ जाएंगी, अब ससुराल ही समझिए, वो जाएंगी सीतापुर, मतलब उनके हस्बैंड जॉब करते हैं, टीचर हैं, तो वो चली जाएंगी। और कल मेरी जो है बड़ी बहन है, मामा की लड़की है, तो वो करेंगी मतलब हनुमान जी की पूजा, तो वहाँ पे हमारे यहाँ जैसे हनुमान जी की पूजा होती है, जो बड़े वाले हनुमान जी हैं वहाँ पे लेटे हुए, तो वहाँ पे पूजा वगैरह जब वो करेंगी ना तो फिर निशान उशान चढ़ता है हमारे यहाँ, तो निशान चढ़ाएंगी, तो हम लोगों को सब लोगों की इनवाइट करी हैं। और एक चीज़ मैं और बड़े गौर से देख रही हूँ, यहाँ पे ना घोंसला था, यहाँ पे एक कबूतर बच्चा दी थी जब मेरी सासू जी हॉस्पिटल में थी, तब उस टाइम वो बच्चा दी थी, और उसके बाद ना हम लोगों को नहीं पता था कि हम लोग सोचते थे घोंसला बना रही है भी बच्चा नहीं दी होगी, ऊपर है थोड़ा सा तो देखना भी उचित नहीं है, कहते हैं कि अगर आप देखते हो तो उसका बच्चा जो है ख़राब हो जाता है, तो ये चीज़ है। और उसमें दो जब हमारी सासू जी का शुद्ध था तब उस टाइम ना मैंने देखा कि उसमें कुछ नहीं था, वो बैठी थी, और उसके बाद जब तिरवे वगैरह बीत गया तो उसमें से छोटे छोटे बच्चे जो है ऐसे ऊपर दिखने लगे, चू चू करने लगे, वो खाना खिला रही थी, वो कम से कम उस दिन मैंने देखा था उसकी फैमिली, उसकी मतलब दो मतलब चारों फैमिली थी, मतलब उसके मम्मी पापा भी उसके खाना खिला रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ कि उस दिन से वह उसकी मम्मी और पापा को नहीं देखी, और वो जो कबूतर के बच्चे थे उथल पुथल कर रहे थे, तो हम लोग ने सोचा कि हम सब मतलब नहीं आ रहे हैं, आ रही होगी, चली जाती होगी, हम लोगों की नज़र में नहीं आ रही है। फिर उसने क्या किया कि वो आना ही बंद कर दी, और ये हुआ कि आ नहीं रही है तो उसको जैसे बच्चे पंख फैला के नीचे गिर जाते थे तो मेरे हस्बैंड उठा के ऊपर रख देते थे कि हाँ आ जाएगी तो चारा वारा खिला देगी, जो भी खिलाती थी, तो उसका एक पैर जो है पैर पे अपने नहीं खड़ी हो पा रही थी क्योंकि उसके पैर में जो है पता नहीं टूट गया था क्या हो गया था, अभी इतनी कथा आपको इसलिए बता रही हूँ। हाँ, तो उसने वो आना बंद कर दी थी, वो बच्चे जो है 3 से 4 दिन बिना भूखे थे, हमने पानी भी रख दिया, चावल के दाने रख दिए, रोटी के टुकड़े रख दिए, गेहूँ नहीं रखे थे, तो ये सारी चीज़ें रख दिए कि वो खाए नहीं खाए, उनको शायद चुगना नहीं आता था, वो माँ के जैसे चोंच से खाना ही सीखे ही थे, अपने से उठा के खाना नहीं जानते थे। फिर उसमें क्या हुआ कि वो बच्चे एक एक करके दोनों 2 दिन में ख़त्म हो गए। बहुत दुख हुआ कि यहाँ पे घोंसला नहीं बनाने देना है किसी पक्षी को। तो अभी मैं क्या देख रही हूँ, इतनी लंबी आपको कथा इसलिए बताई हूँ कि अभी मैं देख रही हूँ, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ।